रिम अलैक्म स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आहमदीद मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद साजिद तो स्टूडेंट आज हम लोग एनालिटिक जोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्जीज एंड रोटेशन ऑफ़ एग्जीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहले हम आते हैं ट्रांसलेशन ऑफ़ एग्जीज ट्रांसलेशन ऑफ़ एग्जीज क्या है इसमें हम लोगों के पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाएगा तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे शिफ्ट करना है और उस नए सिस्टम के लिहाज से हमने किसी पॉइंट के टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं ओल्ड सिस्टम के लिहाज से तो शुरू करते हैं ये हमारे पास एक आ गया है समाल एक्स एंड समाल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाई आ गया है और ये एक्स और ये ओरिजिन तो ये स्माल एक्स स्मॉल एक्स वाई कोआर्डीनेट सिस्टम आ गया है और एक पॉइंट ले लेते हैं ओ प्राइम ओ प्राइम ये मैंने पॉइंट लिया ओ प्राइम जिसके कंपोनेंट एच कोमा के कम्पोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई कोआर्डिनेट सिस्टम तो अब क्या करेंगे के यहाँ पे इस ओ प्राइम पे हमने एक नया एक्सिस नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है ओ प्राइम से हम लोगों ने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा किए एक को नाम दिया ओ प्राइम एक्स का और दूसरे को नाम दिया है ओ प्राइम वाई का और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आ गई हैं अब ये लाइनें इस तरह ड्रा की कि ओ प्राइम एक्स ओ एक्स के पैरल है अगर ये इसके पैरल है तो एटोमेटिक ओ प्राइम वाई ओ स्मॉल वाई के पैरल होगी तो ये हमारे पास ओ प्राइम एक्स एंड ओ प्राइम वाई ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सज आ गए हैं ओ स्मॉल एक्स एंड ओ स्मॉल वाई एक्सिस के ट्रांसलेशन आ गए हैं तो ट्रांसलेशन अब एग्जिस में सिर्फ क्या हुआ है ओरिजिन शिफ्ट हुआ है ओ प्राइम पे इन द सेम प्लेन और ओ प्राइम एक्स और ओ प्राइम वाई ये ओल्ड एग्जिस के पैरेलल ही रहे हैं अब हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट पी लिया इन समाल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके कंपोनेंट समाल एक्स और समाल वाई ये इसके कंपोनेंट आ गए हैं ओ एक्स एंड ओ वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मीनस के यहाँ से हम लोगों ने ये लाइन ड्रा की तो ये मेरे पास समाल वाई है और ये क्या है समाल एक्स के इक्वल है हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट इस नए कोऑर्डिनेट इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मालूम करना चाहते हैं जो कि कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है यानी कि पी के कंपोनेंट मालूम कैपिटल एक्स मालूम करना चाहते हैं चाहते है चाहते है इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई मालूम करना चाहते हैं इन टर्म ऑफ स्मॉल वाई तो उसके लिए देखें हम दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक परपेंडिकुलर मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ पी से एक्स एक्सिस पर इसका नाम मैं रख लेता हूँ पी एम और दूसरा परपेंडिकुलर ओ प्राइम से ड्रा किया एक्स एक्सिस पर इसका नाम रखा है ओ एन अब ज़रा डायग्राम से देखें यहाँ पर हमें मालूम करना है कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स मालूम करना है और कैपिटल एक्स इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसके इक्वल है ये होगा ओ प्राइम और इसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे एम प्राइम कैपिटल एक्स होगा ओ प्राइम एम प्राइम के इक्वल इसकी वैल्यू मालूम करनी है और कैपिटल वाई की वैल्यू मालूम करनी है जो कि पी एम प्राइम के इक्वल है तो अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट पी हमें दिया गया था पी एम पी एम हमें मालूम है कि ये किसके इक्वल है स्मॉल वाई के इक्वल है और ओ एम ओ एम इज़ इक्वल टू स्मॉल एक्स इसी तरह ओ एन ओ एन ये समाल एच के इक्वल है और ये ओ प्राइम एन ये सम्माल के के इक्वल है ये आ गया है हमारे पास समाल एच और ओ प्राइम एन आ गया है स्माल के के इक्वल तो डायग्राम से आप देख सकते हैं हमें मालूम करना है ओ प्राइम एम नो कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स विच इज़ इक्वल टू ओ प्राइम एम प्राइम ओ प्राइम एम प्राइम बेसिकली किसके इक्वल है ये एन एम के इक्वल है और एन एम को मालूम कर सकते हैं ओ एम माइनस ओ एन ओ एम माइनस ओ एन और ओ एम है हमारे पास समाल एक्स के इक्वल ओ एन स्माल एच के इक्वल तो इस तरह कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई है स्मॉल एक्स माइनस शुमाल एच सिमिलरली कैपिटल वाई मालूम करेंगे कैपिटल वाई पी एम प्राइम के इक्वल है ये पी एम प्राइम ये लिखोगे पी एम प्राइम और पी एम प्राइम की वैल्यू मालूम करने के लिए एम पी में से ये एम पी में से अगर मैं ये एम एम प्राइम को सब ट्रैक करता हूँ एम एम प्राइम तो ये किसके इक्वल होगा पी एम प्राइम के इक्वल और एम पी स्माल वाई के इक्वल है एम एम प्राइम एम एम प्राइम एन एम एम प्राइम एन ओ प्राइम के इक्वल है और एन ओ प्राइम स्माल के इक्वल है इस तरह कैपिटल वाई आ गया है शुमाल वाई माइनस के सो पी इन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसके इक्वल होगा एक्स आ गया है स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई आ गया है स्मॉल वाई माइनस के सिमिलरली जैसे कैपिटल एक्स आ गया स्मॉल एक्स माइनस एच तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं स्मॉल एक्स की भी वैल्यू शुमाल एक्स होगा कैपिटल एक्स प्लस एच इज़ इक्वल टू शुाल एक्स और कैपिटल वाई है हमारे पास शुमाल वाई माइनस के तो यहाँ से हम लोग मालूम कर सकते हैं स्माल वाई विच इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के इज़ इक्वल टू शुमाल वाई तो ये रिलेशन आ गया है कि अगर हमें पॉइंट पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया जाए और कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मालूम करने का कहे तो ये वाला रिलेशन इस्तेमाल होगा और अगर पॉइंट पी हमें कैपिटल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दिया जाए एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में मालूम करना है तो ये रिलेशन इस्तेमाल होगा स्टूडेंट तो अब आते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम लोगों ने ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी सर्टेन एंगल पे रोटेट करना है और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए जाएं तो रोटेट करने के बाद नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किया होंगे इस तरह का रिलेशन यहाँ पे मालूम करना है तो स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास फ़र्ज़ क्या के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है हम क्या करते हैं ओ एक्स और ओफ प्राइम को रोटेट करते हैं अबाउट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस और थीटा एंगल जिस एंगल पर इसे रोटेट करना है वो एक्यूट एंगल हो यानी कि नाइनटी से लेस देन हो तो ये मेरे पास एक आ गया है ओ एक्स और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आ गया है दूसरी लाइन आ गई है ओ कैपिटल वाई मीन्स के ओ एक्स कोआर्डिनेट सिस्टम को हम लोगों ने एंगल थीटा पे जब रोटेट किया तो ओ एक्स मूव होकर ओ एक्स प्राइम की पोजीशन पे आ गया है और ओ वाई मूव होकर ओ कैपिटल वाई की पोजीशन पे आ गया है अब यहाँ पर देखते हैं ये मेरे पास आ गए हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस न्यू यानी कि ओ कैपिटल एक्स और ओ कैपिटल वाई इफ पॉइंट पी ये पॉइंट पी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट पी ज़ द कोर्डीनेट स्माल एक्स वाई इन ओ एक्स एंड ओ वाई कोआर्डीनेट सिस्टम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं स्माल एक्स और स्माल वाई कोआर्डीनेट सिस्टम में ये आ गया है स्माल वाई और ये मेरे पास है स्माल एक्स के इक्ल और इसे मैं कह देता हूँ यहाँ पे एम तो हम लोगों ने इसी पॉइंट पी के कोआर्डिनेट मालूम करने हैं ओ एक्स एंड ओ कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे पॉइंट पी से ड्रा फ्रॉम पी फ्रॉम पी पी पॉइंट से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किए ड्रा पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स ये हमने ओ एक्स पे परपेंडिकुलर पर ड्रा किया एंड पी एम प्राइम ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पे ये ड्रा करेंगे ओ कैपिटल एक्स पे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए इस एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से हम लोगों ने ये ड्रा किया है और इस परपेंडिकुलर का नाम मैंने रखा है पी एम प्राइम पी एम प्राइम ये परपेंडिकुलर आ गया तो ये ये हमारे पास और मज़ीद हम ये कहते हैं कि ओ पी ये आर के इक्वल आ गया है पोजीशन वेक्टर ओ पी लेंथ इज इक्वल टू आर एंड ओ पी मेक्स द एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिज ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है अल्फ़ा तो अब जरा देखिए ये दो ट्राइंगल बन गई है एक ट्राइंगल मेरे पास आ गई है यहाँ पे ओ पी एम ये एक ट्राइंगल आ गई है ओ पी एम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल बन रहा है अल्फा और ये है स्मॉल वाई स्मॉल एक्स और ये स्मॉल आर के इक्वल अगर इस ट्राइंगल में इन ट्रायंगल ओ पी एम इस ओ पी ट्रायंगल के मुताबिक अल्फा एंगल का अगर मैं लेता हूँ कॉज कॉज़ अल्फा तो ये होता है बेस ओवर हाई न्यूज़ मीन्स के एक्स ओवर स्मॉल आर तो यहाँ से आर कॉज अल्फा आ गया है स्मॉल एक्स के इक्वल सिमिलरली इसी ट्रायंगल पे अगर हम साइन ले अल्फा एंगल का साइन ले तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाई पार्टी न्यूज़ तो आर इंटू साइन एल्फ़ा आ गया है शुमाल वाई इक्वल है मेरे पास शुमाल एक्स और शुमाल वाई आ गया है इन टर्म ऑफ आर काल्फा एंड आर साइन ऑफ एल्फ़ा अब आते हैं हम ट्राइंगल दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ इन ट्राइंगल ओ पी एम प्राइम तो ओ पी एम प्राइम ये भी एक ट्राइंगल है अब इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ये अल्फा माइनस थीटा का एंगल है इसी अल्फा मनफी थीटा एंगल के मुताबिक अगर इसका कॉज लिया जाए कॉज ऑफ अल्फा माइनस थीटा, तो कॉज आपको पता है कि किसके इक्वल होगा बेस ओवर हाई पार्टी न्यूज तो ये इसकी हमारे पास बेस है ये बेस ये पी पॉइंट को हमने रिजॉल्व किया तो इसमें ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल Y है तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स ओवर स्मॉल आर तो यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलेगी समाल आर इंटू काज ऑफ एल्फा माइनस थीटा तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर फार्मूला ओपन करें कॉज अल्फा नेगेटिव थीटा का फार्मूला कॉज अल्फा इंटू कॉज थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा तो कैपिटल एक्स आ जाएगा आर इंटू काज अल्फ़ा काज थीटा प्लस शुमाल आर इंटू साइन अल्फ़ा और ये आ गया है साइन थीटा तो कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू आर अल्फा ये स्मॉल एक्स के इक्वल है शुमाल एक्स इंटू काज थीटा प्लस आर साइन अल्फा स्माल वाई के इक्वल आ गया है और यहाँ पर आ गया है साइन थीटा तो ये कैपिटल एक्स आ गया है इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई तो इसी तरह हम लोग मालूम करेंगे कैपिटल वाई की वैल्यू भी मालूम करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे कॉज लिया है ऐसे ही अगर हम साइन लें इसी ट्रायंगल में साइन अल्फा माइनस थीटा तो ये होगा कैपिटल वाई ओवर समॉल आर के इक्वल तो कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी सम्माल आर इन साइन ऑफ एल्फा माइनस थीटा ये साइन अल्फा माइनस थीटा का फार्मूला ओपन करें कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा और ये आ गया है साइन थीटा तो यहाँ पे ये आर साइन अल्फा आर साइन एल्फा समाल वाई के इक्वल है समॉल वाई इंटू कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा समाल एक्स इंटू ये साइन थीटा आ गया तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल वाई को माइनस एक्स इंटू साइन थीटा प्लस समाल वाई इंटू काज ऑफ थीटा तो ये कैपिटल वाई आ गया है तो हम कह सकते हैं दस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई इंटू साइन ऑफ थीटा और कैपिटल वाई आ गया है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉज ऑफ थीटा इन्हें मैट्रिक फॉर्म में लिखे तो ज़्यादा आसान होगा याद करने में आसानी रहेगी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये कॉलम मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पे कॉज थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये आ गया है कॉस थीटा और इधर ये काले मैट्रिक्स आ गया है एक्स एंड वाई तो ये एक रिलेशन आ गया है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स एंड वाई तो इस रिलेशन की मदद से अगर हमें पॉइंट पी अगर हमें पॉइंट पी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में दिया स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया जाए तो और इस सिस्टम को थीटा एंगल पर रोटेट करें तो हमने एंगल ने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई में इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के मालूम कर सकते हैं इसी तरह कन्वर्सली अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया जाए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी मालूम कर सकते हैं तो उसके लिए भी यही वाला रिलेशन इस्तेमाल करके हम ये एक्स और वाई को इसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं उस और y को इसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू पहला क्वेश्चन इसमें हमें दो पॉइंट्स पी एंड ओ प्राइम आर गिवन इन समाल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मालूम करने पी रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस ओ प्राइम एक्स एंड ओ प्राइम वाई तो क्वेश्चन के चार पार्ट दिए गए हैं चारों पार्ट में हमें स्माल पी पी स्माल एक्स और स्मॉल वाई में दिया गया है और पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हम लोगों ने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है कि कैपिटल एक्स इक्वल होता है स्मॉल एक्स माइनस एच ये स्मॉल एक्स है ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल एच और स्मॉल के तो कैपिटल एक्स फिर इस रिलेशन के तहत इक्वल होगा एक्स की वैल्यू आ गई है थ्री माइनस और एच है वन के इक्वल तो ये आ गया है टू कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू टू इसी तरह कैपिटल वाई इक्वल होता है स्मॉल वाई माइनस के के इक्वल स्मॉल वाई ये पॉइंट पी का वाई कंपोनेंट आ गया टू और स्मॉल के ओ प्राइम का वाई कंपोनेंट माइनस थ्री तो ये इसका आंसर आ गया है माइनस वन तो इस तरह हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी इज इक्वल टू एक्स आ गया है टू के इक्वल और वाई आ गया है माइनस वन के इक्वल तो सिमिलरली से इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं पी एम ए स्माल एक्स स्मॉल वाई में गिवन है ओ प्राइम भी गिवन है पी इन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करना है तो हमें मालूम है कैपिटल एक्स इक्वल होता है स्मॉल एक्स माइनस एच के इक्वल स्माल एक्स थ्री बाई टू आ गया माइनस स्मॉल एच नेगेटिव वन बाई टू तो ये पॉजिटिव वन बाई टू हो जाएगा इनको ऐड किया तो टू एल सेम आ गया थ्री प्लस वन तो ये बन गया है फोर ये बन गया है फोर बाई टू मीन्स के टू के इक्वल इसी तरह कैपिटल बाई मालूम करेंगे तो कैपिटल बाई होता है स्मॉल बाई माइनस के समाल बाय फाइव बाय टू माइनस और समाल के सेवन बाय टू तो इनको जब एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो माइनस टू ओवर टू आंसर आ गया है माइनस वन इस तरह पॉइंट पी क्या बनेगा दस पी इन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू आ गई है टू और वाई की वैल्यू आ गई है माइनस वन थर्ड पार्ट P पी x एक्समाल वाई में गिवन है O प्राइम गिवन है तो P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू शुमाल एक्स माइनस h शुमाल एक्स माइनस सिक्स माइनस एच ये पॉजिटिव फोर हो जाएगा तो आंसर आ गया है माइनस टू इसी तरह कैपिटल वाई शुमाल वाई माइनस के होता है स्मॉल वाई माइनस एट और माइनस माइनस सिक्स तो ये पॉजिटिव सिक्स हो जाएगा तो इसका भी आंसर आ गया माइनस टू तो इस तरह हमारे पास ये पॉइंट पी इन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसके इक्वल आ गया है माइनस टू व माइनस टू और ये सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह आपके सामने ये परफॉर्म किया हुआ है तो ये क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू ओ प्राइम हुज कोआर्डिनेट आर गिवन इन एक्स वाई यानी कि इन चारों पार्ट में हमें जो ओ प्राइम दिया गया है इसके कोऑर्डिनेट समाल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है और पी पॉइंट हमें कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्ट पार्ट देखें फर्स्ट पार्ट में पी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये गिवन है और ओ प्राइम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री कोमा फ़ोर के इक्वल है तो पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में रिलेशन का हमें पता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच अब ये कैपिटल एक्स एट के इक्वल है इज़ इक्वल टू स्मॉल एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और स्मॉल एच ये थ्री के इक्वल है तो यहाँ पर सम्माल एक्स की वैल्यू आ जाएगी एट प्लस थ्री इज वल टू शमॉल एक्स और एक्स इज वल टू इलेवन एक्स की वैल्यू आ गई है इलेवन इसी तरह कैपिटल वाई इक्वल होगा स्माल वाई माइनस के equal, y, के इक्वल ये कैपिटल वाई टेन के इक्वल आ गया है स्मॉल वाई फाइंड आउट करेंगे सम्माल के ये फोर के इक्वल आ गया है तो शुमाल वाई की वैल्यू आ जाएगी टेन प्लस फोर इज इक्वल टू शमॉल वाई और y इज इक्वल टू फोर्टीन तो पॉइंट P आ गया है स्मॉल एक्स वाई में P इज इक्वल टू इलेवन कोमा फोरटीन से थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में P ये गिवन है और O प्राइम भी गिवन है तो यही रिलेशन दोबारा यूज़ करेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच कैपिटल एक्स माइनस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच की वैल्यू वन बाय फोर है तो माइनस थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज़ इक्वल टू स्मॉल एक्स इन दोनों को ऐड किया तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू बाय फोर विच इज़ इक्वल टू माइनस वन बाय टू तो ये स्मॉल एक्स आ गया है माइनस वन बाय टू के इक्वल इसी तरह कैपिटल वाई इक्वल होता है स्मॉल वाई माइनस के दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल वाई की वैल्यू माइनस सेवन ओवर सिक्स इज इक्वल टू शुमाल वाई प्लस वन बाई सिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस सेवन ओवर सिक्स माइनस वन बाई सिक्स इज़ इक्वल टू शुमाल वाई तो शुमाल वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एट बाई माइनस एट बाई सिक्स इज इक्वल टू शुमाल वाई तो शुमाल वाई को हम लिख सकते हैं माइनस फोर बाई थ्री तो इस तरह हमारे पास ये पॉइंट पी स्मॉल एक्स वाई कंपोनेंट में किसके आ जाएगा पी इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू और वाई की वैल्यू आ गई है माइनस फोर बाय थ्री तो ये सेकेंड पार्ट पी हमें गिवन है यही फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच कैपिटल एक्स की वैल्यू माइनस फाइव आ गई है और शुमाल एक्स फाइंड आउट करेंगे ये एच मनफी दो का इक्वल है तो ये पॉजिटिव टू हो जाएगा माइनस फाइव माइनस टू इज इक्वल टू शुमाल एक्स शुमाल एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस सेवन कैपिटल वाई इज़ इक्वल टू शुमाल वाई माइनस के कैपिटल वाई माइनस थ्री और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सिक्स तो इस तरह माइनस थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू सम्मॉल वाई सम्माल वाई माइनस नाइन का इक्वल आ गया है तो पी इन एक्स कोमा वाई इक्वल आ जाएगा पी एक्स माइनस सेवन के इक्वल और वाई माइनस नाइन का इक्वल आ गया है सिमिलरली ये फोर्थ पार्ट इजीली आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थ्री एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू इंडिकेटेड एंगल फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोआर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विद सम एक्स वाई कोआर्डिनेट पॉइंट्स आर गिवन तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ पॉइंट पी हमें स्माल एक्स वाई में गिवन है और इसे रोटेट किया है थीटा एंगल 45 डिग्री पे तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें रिलेशन मालूम है यहाँ पर पी हमें स्माल एक्स और स्मॉल वाई में गिवन है फाइव एंड थ्री तो पी मालूम करना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोआर्डिनेट सिस्टम में मालूम करना है हम लोगों ने रिलेशन याद किया था मैट्रिस की फॉर्म में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉलम मैट्रिक्स को हम लोगों ने लिखा था इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा इन एक्स वाई इस फॉर्म को याद करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो हमारे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट बन के इक्वल है काटा प्लस साइन स्कोर थीटा इक्वल टू वन तो इस तरह इसको याद भी किया जा सकता है आसानी से चलें देखते हैं यहाँ पे तो क्योंकि थीटा में दिया गया फोर्टी फाइव कास फोर्टी फाइव पे किसके इक्वल है वन बाई अंडर रू टू के इक्वल साइन भी फोर्टी फाइव पे वन बाई अंडर रूट टू का इक्वल माइनस वन बाय अंडर रूट टू और यहाँ भी वन बाय स्केयर रूट टू आ गया है और समाल एक्स है फाइव स्मॉल बाय थ्री के इक्वल तो इस मैट्रिक्स में से अगर मैं वन बाय स्केयर रूट टू काम लेता हूँ तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा वन वन माइनस वन और वन और यहाँ पर आ जाएगा फाइव एंड थ्री तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें वन बाई स्केयर रूट टू ये मल्टीप्लाई किया तो फाइव प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस थ्री तो इस तरह हमारे पास ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मैट्रिक्स आ गया है इज इक्वल टू वन बाई स्केयर रूट टू इंटू ये एट और ये आ गया है माइनस टू तो ये इसे हम लिख सकते हैं एट बाई स्केरू टू माइनस टू बाय स्केरू टू तो कंपेयर करें तो इसे कैपिटल एक्स आ गया है एट बाय स्केरू टू स्वेयर टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो एट बाई स्केरू टू ओवर टू तो ये फोर इंटू स्केयरू टू हमारे पास ये कैपिटल एक्स आ गया है सिमिलरली कैपिटल वाई होगा माइनस टू बाय स्केरू टू तो इसे भी अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के रूट टू दस पी कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई में किसके इक्वल आ जाएगा पी फोर रूट टू कोमा माइनस स्केयर रूट टू थर्ड पार्ट में P स्मॉल x सम्मॉल y में गिवन है एंगल थीटा गिवन है तो P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल y में तो वही रिलेशन इस्तेमाल होगा जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है कैपिटल एक्स कैपिटल y को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा और सेकेंड रो में आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर कॉलो मेट्रिक्स आ जाएगा स्माल एक्स एंड स्माल वाई तो कॉज एंगल थीटा में सिक्सटी दिया गया है, तो कॉज सिक्सटी और यहाँ पर आ जाएगा साइन सिक्सटी माइनस साइन सिक्सटी कॉज सिक्सटी समाल एक्स एंड स्माल वाई स्मॉल एक्स एलेवन के इक्वल है स्मॉल वाई माइनस फिफ्टीन के इक्वल आ गया है तो यहाँ पे वैल्यू मालूम करें काज की सिक्सटी पे वैल्यू होती है वन बाय टू साइन की सिक्सटी पे वैल्यू अंडर रूट थ्री बाय टू माइनस अंडर रूट थ्री बाय टू और काज की सिक्सटी पे वैल्यू वन बाय टू इलेवन माइनस फिफ्टीन तो यहाँ से इस मैट्रिक्स में से वन बाय टू कॉमन ले लें वन अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री वन और इधर आ गया है इलेवन माइनस फिफ्टीन इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू वन बाई टू इलेवन माइनस फिफ्टीन इंटू स्केर रूट थ्री और माइनस इलेवन इंटू स्केयर रूट थ्री माइनस फिफ्टीन ये हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई किया तो कंपेयर करेंगे तो ये कैपिटल एक्स आ जाएगा वन बाई टू इंटू इलेवन माइनस फिफ्टीन इंटू स्केयर रूट थ्री और कैपिटल वाई आ गया है वन बाई टू इंटू माइनस इलेवन स्केयर रूट थ्री माइनस फिफ्टीन दस पॉइंट पी इन कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई में किसके इक्वल आ गया पी कैपिटल एक्स आ गया है इलेवन माइनस फिफ्टीन इन टू अंडर रूट थ्री ओवर टू और ये माइनस इलेवन अंडर रूड थ्री माइनस फिफ्टीन डिवाइड बाई टू तो ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका कम्पलीट हुआ, हुआ तो फोर्थ पार्ट में हमें पी स्मॉल एक्स वाई के फॉर्म में दिया गया है और एंगल थीटा टेन इनवर्स की फॉर्म में दिया गया है तो यहाँ पर भी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं इन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के फॉर्म में तो रिलेशन यूज़ करते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये आ गया है कास् थीटा स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई अब कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए चूँकि ये वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसे क्वेश्चन नंबर वन कहते आते हैं चूँकि थीटा हमें दिया गया है टेन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा वन बाई थ्री के इक्वल तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं एंगल थीटा के लिए टेन वन बाई थ्री ये मीन्स कि ये वन है और ये हमारे पास थ्री का इक्वल तो फाग्रस थ्योरम की मदद से हम इसका हाई पार्टी न्यूज मालूम कर सकते हैं थ्री का स्केयर नाइन और वन का स्केयर वन तो ये अंडर रूट टेन हमारे पास ये इसका हाई पार्टी न्यूज आ जाएगा तो इस ट्राई का फिर साइन थीटा होगा साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे होगी वन बाई अंडर रूट टेन और कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस ओवर हाई पार्टी न्यूज़ विच इज़ इक्वल टू तो थ्री ओवर अंडर रूट टेन तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करें वन इम्प्लाइज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू थ्री ओवर अंडर रूट टेन साइन की वैल्यू वन बाय अंडर रूट माइनस वन बाय स्केयर रूट टेन और थ्री बाय स्केर रूट टेन और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ये आ गया है फिफ्टीन और ये टेन तो वन बाय अंडर रूट टेन कॉमन ले लें और बाकी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें थ्री को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई क्या फोर्टी फाइव प्लस टेन आ गया माइनस फिफ्टीन प्लस थर्टी तो ये बन गया वन बाय रू टेन इंटू फिफ्टी फाइव बाय फिफ्टीन तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई था दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए हैं कंपेयर करें मैट्रिक्स को तो कैपिटल एक्स होगा फिफ्टी फाइव ओवर अंडर रूट टेन और कैपिटल वाई की वैल्यू होगी फिफ्टीन ओवर अंडर रूट टेन तो इस तरह हमारे पास ये पॉइंट पी आ जाएगा पी इन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई इक्वल टू पी फिफ्टी फाइव ओवर अंडर रूट टेन और फिफ्टीन ओवर अंडर रूट टेन तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री भी कंप्लीट हुआ जी क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट पार्ट पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में गिवन है थीटा एंगल गिवन है तो पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में तो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल होता है कॉस थीटा इन साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा और ये आ गया स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई अब चूँकि यहाँ पे हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मालूम करने हैं तो इस मैट्रिक्स को का इन्वर्स ले लें इधर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा अडजाइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ओवर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चूंकि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट थीटा के हर वैल्यू के लिए वन का इक्वल है तो हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को ये हमारे पास इसका एडजॉइट लिया जाएगा एडजॉइट लेने के लिए ये दोनों डायगनल के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे तो चूँकि कास्ट थीटा काज थीटा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस साइन थीटा और ये आ गया है साइन थीटा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज़ इक्वल टू समाल एक्स और समाल वाई अब हमें थीटा भी दिया गया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई भी दिया गया है समाल एक्स और समाल वाई की वैल्यू हम इजीली मालूम कर सकते हैं तो समाल एक्स समाल वाई किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू कॉस थीटा थीटा थर्टी के इक्वल है कॉस की थर्टी पे वैल्यू उसके रूट थ्री बाई टू और यहाँ पर माइनस वन बाई टू ये वन बाई टू के रूट थ्री बाय टू आ गया है कैपिटल एक्स माइनस फाइव के इक्वल है और कैपिटल वाई ये थ्री के इक्वल आ गया है इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे समॉल एक्स समॉल वाई इज इक्वल टू यहाँ से इस मैट्रिक्स में से वन बाय टू कॉमन आ गया वन बाय टू कॉमन लिया थ्री माइनस वन वन सॉरी ये अंडर रूट थ्री यहाँ पर भी अंडर रूट थ्री आ जाएगा माइनस फाइव एंड ये थ्री अब इन्हें मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करते हुए वन बाई टू ये बाहर कॉमन लिया हुआ था माइनस फाइव इंटू स्केयर रूट थ्री माइनस थ्री नेगेटिव फाइव प्लस थ्री इंटू स्केर रूट थ्री तो इस तरह हमारे पास इन्हें कंपेयर करें तो स्माल एक्स आ गया है वन बाई टू इंटू माइनस थ्री माइनस फाइव इंटू स्केर रूट थ्री और स्मॉल वाई की वैल्यू भी आ गई है वन बाई टू माइनस फाइव प्लस थ्री इंटू स्केर रूट थ्री दस पी इन स्माल एक्स एंड स्माल वाई में इक्वल आ गया पॉइंट पी माइनस थ्री नेगेटिव फाइव इन टू अंडर रूट थ्री ओवर टू कोमा माइनस फाइव प्लस थ्री अंडर रूट थ्री ओवर टू तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया है क्वेश्चन फोर सेकंड पार्ट स्मॉल एक्स वाई कोआर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया गया है थ्रू इंडिकेटेड एंगल और नए एक्सिस ओ एक्स ओ कैपिटल एक्स एंड ओ कैपिटल वाई आ गए हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइन द स्माल एक्स वाई कोआर्डीनेट ऑफ द पॉइंट पी वियर एज़ कैपिटल एक्स वाई कोआर्डीनेट ऑफ द पॉइंट पी आर गिवन ये हमें पी कैपिटल एक्स वाई कोआर्डीनेट में गिवन है स्मॉल एक्स वाई कोआर्डीनेट सिस्टम को एंगल थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव के एंगल पर रोटेट किया गया तो हमें मालूम करने हैं पी स्माल एक्स वाई कोआर्डीनेट सिस्टम में पॉइंट पी के मालूम करने हैं तो रोटेशंस का रोटेशन ऑफ एक्सिस की इक्वेशन हमें याद हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉलम फॉर्म में इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये आ गया है कॉस थीटा दूसरे कॉलम में स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई अब चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल एक्स वाई कंपोनेंट मालूम करना है पॉइंट पी के इसलिए आ, इसके साथ ये जो मैट्रिक्स है इसको यहाँ से हम लोगों ने रिप्ले ख़त्म करना है इसका इन्वर्स ले लेते हैं इस मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देते हैं इस मैट्रिक्स को ए का नाम और इसे सी का नाम तो सी आ जाएगा ए इन्वर्स इन टू बी मैट्रिक्स के इक्वल तो यहाँ पे सी इज़ इक्वल टू ए इनवर्स होता है एडजॉइंट A ओवर A मॉड ये ए का इन्वर्स आ गया इन टू बी अब चूंकि जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसका डिटर्मिनेट वन के बराबर है तो ये इसे हम लिख सकते हैं सी इज़ इक्वल टू अरजवाइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए का जॉइंट ले लें का आर किसके इक्वल होगा अर ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा यहां पर भी कॉस थीटा आ जाएगा ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को चेंज किया है और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अरजॉइंट टू बाय टू मैट्रिक्स के लिए साइन थीटा और ये आ गया है साइन थीटा इनटू कैपिटल बी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का इक्वल है अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करें कॉस फोर्टी फाइव पे वन बाय अंडर रूट टू के इक्वल है साइन फोर्टी फाइव पे वन बाय अंडर रूट टू के इक्वल यहाँ पर भी वन बाय अंडर रूट टू और यहाँ भी वन बाय अंडर रूट टू कैपिटल एक्स माइनस सेवन इंटू अंडर रूट टू कैपिटल वाई फाइव इंटू अंडर रूट टू के इक्वल तो इसको सिंपलीफाई करेंगे सी मैट्रिक्स है समाल एक्स वाई काला मैट्रिक्स यहाँ से इस मैट्रिक्स में से अंडर रूट टू कॉमन आ गया है और पहले वाले मैट्रिक्स में से वन बाय अंडर रूट टू कॉमन आ गया तो वन माइनस वन 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 मल्टीप्लाई होगा माइनस सेवन इंटू फाइव से तो ये तो कैंसल हुए इनको मल्टीप्लाई किया इन दोनों मैट्रिक्स को वन को मल्टीप्लाई किया माइनस सेवन से माइनस वन को माइनस फाइव से फाइव से मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव माइनस सेवन प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व इंटू टेल्व एंड माइनस टू तो कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एंड y इज इक्वल टू माइनस टू दस पॉइंट P इन स्मॉल x y कोआर्डिनेट इज इक्वल टू P x कंपोनेंट का आंसर आ गया है माइनस ट्वेल्व और y कंपोनेंट का आंसर आ गया है माइनस टू तो ये पॉइंट पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट आ गए हैं क्वेश्चन नंबर फोर स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजन थ्रू इंडिकेटेड एंगल ये एंगल हमें गिवन है एंड न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ कैपिटल वाई फाइंड वाई कोआर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विद गिवन कैपिटल एक्स वाई कोआर्डिनेट्स में के जो पॉइंट हमें गिवन है ये कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है और थीटा एंगल पे समाल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करके इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं तो हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं समाल एक्स और समाल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो रोटेशन ऑफ एक्सिस का जो हमारे पास रिलेशन था वही यहाँ पर इस्तेमाल होगा रिलेशन ये है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉलम मैट्रिक्स इक्वल था काज थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉज थीटा और इसके साथ फिर कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा था स्मॉल एक्स एंड स्माल वाई अब ये हमें पॉइंट पी गिवन है ये कैपिटल एक्स आ गया है माइनस सेवन अंडर रूट टू फाइव इंटू अंडर रूट टू इज इक्वल टू थीटा एंगल ४५ है तो काज की ४५ पे वैल्यू होगी वन बाय स्केयर रू टू साइन की वैल्यू वन बाय स्वेयर रू टू ये माइनस वन बाय स्केयर रो टू आ जाएगा और काज की वैल्यू ४५ हो, पे होती है वन बाई स्केयरू टू समाल एक्स और समाल वाई इसी तरह अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम लोगों ने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए तो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ से स्केयर रूट टू कामन ले कामन लिया माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन एंड फाइव वन बाय स्केर रूट टू इधर से काम लिया वन वन माइनस वन और ये वन आ गया सम्माल एक्स एंड शुमाल वाई तो ये वन बाय अंडर रूट टू चूँकि स्केलर नंबर है ये इधर आकर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रिलेशन बन जाएगा टू इंटू माइनस सेवन फाइव इज़ इक्वल टू वन वन माइनस वन वन और ये आ गया स्मॉल एक्स एंड स्माल वाई तो इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है कैपिटल ए और ये आ गया है बी तो जब ये ए इधर आएगा तो ए का इन्वर्स बनेगा तो ए इन्वर्स के लिए पहले हम ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स होगा अर्जाइंट ओवर ए का मॉड तो अरजाइंट ए मैट्रिक्स आ जाएगा वन वन माइनस वन पॉजिटिव ये अरजाइंट ए आ गया है और ए मॉड होगा वन प्लस वन तो ये आ जाएगा वन बाई टू इंटू वन माइनस वन 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 तो ये आ गया है ए इनवर्स तो इस तरह ये इक्वेशन नंबर वन को हम लिख सकते हैं वन कैन बी रिटर्न एज टू को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास ए इन्वर्स इंटू बी इज़ इक्वल टू स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्मॉल एक्स स्माल वाई इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स और ए इन्वर्स है वन बाई टू इंटू वन माइनस वन 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 और यहाँ पर बी मैट्रिक्स था टू इंटू माइनस सेवन और ये फाइव तो इस टू से ये टू कैंसिल हुआ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा माइनस सेवन माइनस फाइव और माइनस सेवन प्लस फाइव तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया माइनस ट्वेल्व और माइनस टू के इक्वल तो इसे कंपेयर करें तो समाल एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस ट्वेल्व और समाल वाई आ गया है माइनस टू के इक्वल तो पॉइंट भी स्मॉल एक्स वाई कोआर्डिनेट में किसकेक्ल होगा पी इन स्मॉल एक्स वाई एक्स की वैल्यू माइनस ट्वेल्व और वाई की वैल्यू आ गई है माइनस टू तो ये आ गया है रिक्वायर्ड आंसर